सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो कि सभी नेवी और एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स के लिए होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोल रखा है कि आप लोगों को रीजनिंग में अपने आप से कुछ नहीं करना है, जितना मैं आप लोग करवा रहा हूँ उतना ही करना है। क्वेश्चन लगाने को बुक्स अलग से नहीं खरीदनी है। तो अब आप लोग का काम ऑनेस्टली ये बनता है कि जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको खुद से अपने आप से सॉल्व करना और फिर देखना है, चेक करना है कि आपका आंसर सही है फिर नहीं। जितना भी आपका स्कोर होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि बहुत लोग कमेंट आ रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, देर से मिल रहा है। तो आप जब तक सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बिल को प्रेस नहीं करोगे तब तक नोटिफिकेशन भूल जाइए कि आपको यूट्यूब भेजेगा, क्योंकि इतना करने के बाद भी यूट्यूब किसी किसी को नोटिफिकेशन नहीं भेजता ये अभी मैं देख रहा हूँ। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बी कहता है कि उसकी माँ, ए की माँ की इकलौती पुत्र है, तो ए और बी से किस तरह से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन मैं अपने प्रीवियस जो रीजनिंग का वीडियो मैंने डाला था उसमें भी ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, मामा। कैसे? इसका देखिए इन चीज़ों में आपको फीलिंग लेने पड़ेगी। जो भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे कि बी कहता है कि उसकी माँ, जैसे कि बी की कोई माँ होगी, मान लीजिए आप खुद को रख के देखा करिए कि बी, मान लीजिए आप खुद हो, आपकी कोई मम्मी माँ हो गई, ए हो गई, ठीक है, कि इकलौती पुत्र है आपकी माँ, एक इकलौती पुत्र, ए की माँ की इकलौती पुत्र है, यानी कि आप खुद ही सोचिए। ए आप मान लीजिए आपके मामा हैं तो उनकी माँ कौन हुई, एक की जो आपके मामा हैं तो उनकी माँ कौन हुई, नानी, और नानी की लड़की तो आपकी मम्मी है, वही यहाँ पर मामा का रिलेशन आएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बोर्ड के लिए CPBSE लिखा गया है तो हाउस के लिए क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को कोड डिकोड करना है कि कौन सा कोड यहाँ पर यूज़ किया है, और अगर आप कोड डिकोड कर ले जाओगे तभी इसका आंसर बता पाओगे। तो पहले इसको खुद से कीजिए और तब सोल्यूशन देखिए। तो चलिए इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ। जैसे यहाँ पर बी के बाद आता है लेटर सी, उसको लिखा गया, ओ के बाद आता है पी, उसको लिखा गया, ए के बाद आता है बी, उसको लिखा गया, आर के बाद आता है एस, उसको लिखा गया, डी के बाद आता है ई, ठीक है, बोर्ड को CPBSE लिखा गया, मतलब अगला लेटर लिख दिया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगी। हाउस में भी एच के बाद आता है आई, ओ के बाद आता है पी, यू के बाद आता है वी, एस के बाद आता है टी, और ई के बाद आता है एफ, यानी IPVTF, IPVTF कहाँ आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फिर निम्न श्रेणी में अगला पद क्या होगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर पूछा गया यहाँ पर क्या होगा। पहले खुद से ट्राई कीजिए तब सोल्यूशन देखिएगा इसका। तो चलिए मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताता हूँ इसका। देखिए 12 में एक जोड़ोगे 13 आएगा, 13 में दो जोड़ोगे 15 आएगा, 15 में तीन जोड़ोगे 18 आएगा, ठीक है। जब इसके बाद फिर 18 में एक जोड़ोगे 19 आएगा, 19 में दो जोड़ोगे 21 आएगा, और 21 में तीन जोड़ोगे 24 आएगा। उसके बाद क्या हो क्या रहा है, यहाँ पर एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, फिर एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, अब किसका नंबर आया, फिर एक जोड़ेंगे ना, एक जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे, तीन जोड़ेंगे, तो यहाँ पर एक जोड़ना पड़ेगा। 24 में एक जोड़ोगे तो आएगा 25, यानी कि लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 9th नंबर की 7, 15, 8, 17, 9, 19 और 10, इसके बाद क्या आएगा ये आप लोगों को इसमें पता करना है। तो इसको पहले खुद ही ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले 7 में 8 जोड़ा है, क्या जोड़ा है, 8, 8, ठीक है, फिर ठीक है 8, 7 में 8 जोड़ा 15 आया, फिर 8 में 9 जोड़ा 17 आया, फिर 9 में 10 जोड़ा 19 आया, फिर 10 में कितना जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे, यहाँ पर 7 में 8 जोड़ा, यहाँ पर 9 जोड़ा, यहाँ पर 10 जोड़ा, यहाँ पर 11 जोड़ेंगे, तो 10 में 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा 21, 21 बी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। फिर 10th नंबर क्वेश्चन है कि यदि 7 × 6 को 84 लिखा जाता है, 9 × 8 को 144 लिखा जाता है, तो 10 × 13 यानी 10 × 13 को क्या लिखा जाएगा, 130, 260, 195 और 105 आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए इसमें 7 × 6 होता कितना है, 42 यानी कि 42 होता है, 42 का दुगना कर दिया 84, 84। इसी प्रकार 9 × 72 होता है, 9 × 8 = 72 होता है, इस 72 का दुगना कर दिया तो 144 आ गया। इसी प्रकार 10 × 13 यानी कि 130 होगा, और 130 का दुगना करोगे तो 260 आएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, 260। फिर अगला क्वेश्चन है 11th नंबर की, दूध के लिए पनीर तो पानी के लिए क्या।
कुआं, बर्फ, तालाब, जग आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए, जो पनीर होता है वो दूध का प्रोडक्ट होता है, यानी कि पनीर दूध से ही बनता है। इसी प्रकार देखिए, जो बाद में लिखा है ये प्रोडक्ट है, यानी कि जो आपको पता यहाँ पर जो लिखा होगा वो एक पानी का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि पानी का पूछा गया ना, तो पानी का प्रोडक्ट क्या है? बर्फ है। जो बर्फ है वो पानी से ही बनती है, ठीक है? तो बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 12th नंबर, यदि पक्षी के लिए मछली तो हवाई जहाज के लिए समुद्री जहाज, नाव, पनडुब्बी या फिर जल। तो सही आंसर होगा इसका थर्ड ऑप्शन, पनडुब्बी। फिर अगला 13th नंबर क्वेश्चन है, शब्द REMAHM यानी रहमान, रहमान, REMAHM के अक्षरों में एक औजार का नाम है, वह क्या है? तो इनको, इसमें एक औजार का नाम छिपा हुआ है, यानी कि इसके जो लेटर्स हैं उसको आप अरेंज करोगे किसी ऑर्डर में, तो वो आपको किसी औजार का, इंस्ट्रूमेंट का नाम दे देंगे। तो वो नाम है हैमर, HAMMER, हैमर मतलब हथौड़ा, ठीक है? देखिए, HAM, फिर M, फिर E, फिर R, हैमर, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि अप्रैल की 13 तारीख को बुधवार है, तो मई की 9 तारीख को क्या वार होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार या फिर रविवार? तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने, पहले अपने आप से ट्राई कीजिए इसको, ठीक है? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए सिर्फ एक फंडा यूज होता है कि 7 दिनों बाद वही आपका दिन पड़ेगा। जैसे कि आज संडे है, मतलब मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी की बात कर रहा हूँ, कि आज संडे है तो 7 दिन बाद भी संडे होगा, 14 दिन बाद भी संडे होगा, 28 दिन बाद भी संडे होगा। क्यों? क्योंकि जो 7, 14, 28 सभी 7 के गुणनफल हैं, मानी मल्टीपल्स हैं। तो जितने भी आप 7 के मल्टीपल्स में जाओगे आपको वही दिन मिलेगा, ठीक है? यानी कि 28 दिन बाद भी आपका बुधवार ही पड़ेगा, और 30 दिन बाद क्या पड़ेगा? 30 दिन बाद आपका 13 तारीख पड़ेगा। अच्छा, 30 दिन बाद 13 तारीख पड़ेगा, और 28, 29, देखिए 28 दिन बाद आपको बुधवार पड़ रहा है, ठीक है? और 28 तारीख को तारीख कौन सी होगी? 11वीं होगी। देखो आप, 13 तारीख, 13, 12, 11, ठीक है? यानी 28 दिन को बुधवार है, यानी 11 तारीख को बुधवार है, तो 10 तारीख को मंगलवार होगा और 9 तारीख को सोमवार होगा, यानी कि मंडे। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, सोमवार। फिर अगला क्वेश्चन है 15th नंबर की, एक व्यक्ति अपने स्थान से उत्तर पूर्व, बोले तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलकर दक्षिण दिशा में, यानी कि साउथ डायरेक्शन में मुड़ जाता है, तो और 4 किलोमीटर चलता है साउथ डायरेक्शन में, तो वह अपने पूर्व स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखिए, 5 किलोमीटर ऐसे चलता है, फिर 4 किलोमीटर ऐसे चलता है, तो ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस के बीच में आपको पूछी गई, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम होती है उससे आप ये निकालोगे, जो नीचे का बेस है वो 3 आएगा, 3, ये आपको पता होना चाहिए, 3, 4, 5 का एक पाइथागोरस लगता है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, 3 किलोमीटर। फिर भारत में खेलों का सबसे बड़ा सम्मान यानी कि अवार्ड क्या है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न या फिर परमवीर? तो सही आंसर इसका थर्ड ऑप्शन, राजीव गांधी खेल रत्न। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी कोड भाषा में रोड रोज को TQUG लिखा जाता है, तो उस कोड में भाषा में बिस्किट को कैसे लिखेंगे? तो देखिए, आर के बाद आता है एस, एस को छोड़ के लिख दिया यहाँ पर टी, ओ के बाद आता है पी, पी को छोड़ के लिख दिया क्यू, एस के बाद आता है टी, टी को छोड़ के लिख दिया यू, ई के बाद आता है एफ, एफ को छोड़ के लिख दिया जी, यानी कि एक को स्किप करके, एक लेटर को स्किप करके अगला लेटर आ रहा है, यानी कि बी के बाद आता है सी, तो सी को छोड़ के लिखेंगे डी, आई के बाद आता है जे, जे को छोड़ के लिखेंगे के, एस के बाद आता है टी, टी को छोड़ के लिखेंगे यू, सी को बाद आता है डी, डी के बाद आता है ई, तो डी के यू ई, ऐसा कुछ 4 पहले वर्ड होंगे डी के यू ई, ठीक है? सभी में मिल रहा है, बस देखिए सभी में नहीं, लास्ट के 2 ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है? और अगर हम लोग आखिरी का देखिए, डी के यू ई दो, सिर्फ 2 ही ऑप्शन में लास्ट के, इसके बाद डब्ल्यू के, यानी कि उसको हम चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में सेम ही है। आखिरी का हम अगर चेक कर लें, अगर वाई आएगा कि वी आएगा, तो आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो टी के बाद यू आता है, और यू के बाद छोड़ के वी आता है, यानी कि लास्ट ऑप्शन से आंसर आ जाएगा, आखिरी में वी आएगा ना कि वाई। फिर अगला क्वेश्चन है कि ए बी का पिता है, सी बी की माँ है, बी डी और डी भाई बहन है, बताइए डी और ए के बीच में क्या रिश्ता है? तो ऑप्शन है पिता पुत्र, पिता पुत्री या मामा भांजी, या फिर बता नहीं सकते। तो सही आंसर है बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यहाँ पर तो पता है कि ए बी का पिता है, सी बी की माँ है, और ठीक है, लेकिन डी के बारे में नहीं पता ना, सिर्फ इतना ही पता है बी डी का भाई बहन है, लेकिन डी के बारे में और कुछ हमें पता ही नहीं, जानकारी नहीं, तो हम ए के रिश्ते, ए के रिश्ते के, डी और ए के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि निम्न को बढ़ते क्रम में प्राकृतिक रूप से लगाकर प्रथम बताइए, यानी कि वृक्ष, कुर्सी, लकड़ी, बीज को आपको प्राकृतिक क्रम में लगा के सबसे पहले कौन सा आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपके ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, वृक्ष, कुर्सी, लकड़ी और बीज। तो सही आंसर इसका लास्ट ऑप्शन बीज, क्योंकि सबसे पहले बीज आता है, ठीक है, फिर उससे लकड़ी बनती है, सॉरी सॉरी सॉरी, बीज आता है, फिर उसके बाद वृक्ष बनता है, वृक्ष से लकड़ी हमें मिलती है और लकड़ी से कुर्सी बनती है। तो सबसे पहले बीज आएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं तथा प्रत्येक के चार चार पुत्र हैं, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, 50, 30, 26, 48 आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए जीएस के लिए मैंने एक नया चैनल बना रखा है, तो उसको मेक श्योर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया तो चेकआउट कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। उसमें मैं पूरा जीएस पर आपका फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी दोनों में आपका जीएस आता है। तो मेक श्योर उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नाम उस चैनल का है परमार अकेडमी, तो उस चैनल को भी आप फॉलो कीजिए, ठीक है, उसमें मैं पूरा जीएस करवाता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा 40 नंबर का। धन्यवाद।